अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ख्वाब के अंदर इंसान ये पांच चीज़ें देखे तो इनकी ताबीर बड़ी ख़ूबसूरत और बेहतरीन ताबीरें हैं। ख्वाब के अंदर इंसान आसा और लाठी देखे तो इस बंदे को इज़्ज़त मिलेगी। इस तरह ख्वाब के अंदर इंसान को खुशबू, इतर वग़ैरह लगाए, नफ़े वाला इलम, इसकी ताबीर इलम होती है, नफ़े वाला इलम मिलेगा। इस तरह ख्वाब के अंदर इंसान उलमाए किराम को देखे, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है या इस तरह मुख्तलिफ़ उलमाए किराम हैं, उनको ख्वाब में देखना तो इज़्ज़त और तौक़ीर इसकी अलामत है। इस तरह ख्वाब के अंदर इमारत बनाना, यानी कि अगर इंसान घर की इमारत बना रहा है तो अल्लाह ताला इसको बाइज़्ज़त बावक़ार बना देगा। और इस तरह ख्वाब के अंदर इंसान मस्जिद बना रहा है तो इस्लाम के अंदर इसकी तरक्की होगी और अल्लाह ताला आखरत में इसको इज़्ज़त और शरफ देगा। ख्वाब के अंदर इंसान ये मुख्तलिफ़ ख्वाबें जो मैंने डिस्कस की हैं, जिस तरह उलमाए किराम को देखना, जिस तरह मस्जिद को देखना, ये पांच ख्वाब थे जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे हैं। नेक्स्ट टाइम पर इंशाल्लाह ऐसे पाँच ख्वाब लाएँगे जो हैं बुरे लेकिन उनकी तबीरें अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है। लेकिन अब मैंने जो ख्वाब डिस्कस किए हैं ये वाले वो ख्वाब हैं जो है अच्छे, इनकी तबीरें भी अच्छी हैं। तो नाज़रीन, बुरा ख्वाब जो आए भाई जान तीन बार धोखें, एक बार बिल्लाह शैतान जी पढ़ें, सदका दें, दो रकत नमाज पढ़ें, ख्वाब किसी को ना बताएँ, ख़ुद से तबीर भी ना लगाएँ। इस तरह अच्छा ख्वाब आता है तो उसकी तबीर लेनी चाहिए, और बुरा ख्वाब आता है अगर आप उसकी ताबीर ले चुके हैं तो फिर उसकी तदबीर भी करें ताकि आप उसके नुकसान से बच सकें, और जिस करवट पर लेटे हैं उस करवट को चेंज कर दें तो अल्लाह ताला अच्छे ख्वाब देखने की तौफीक दे, बुरे ख्वाबों से महफूज फरमाएँ। वसलाम वरहमतुल्लाह।